मध्य प्रदेश एक और भोपाल गैस त्रासदी का गवाह बनते बनते बचा। बीती रात उज्जैन के नागदा में मौजूद लेक्सिस केमिकल फैक्ट्री से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया, जिसका असर पास की रिहायशी बस्ती तक पहुंच गया और हड़कंप मच गया। हालात भले ही काबू में हो, लेकिन प्रशासनिक अमलों की आपदा प्रबंधन तैयारी की पोल खुल गई है। एक बार फिर फैला हवा में जहर, केमिकल उद्योग ने ठाया कहर। लोगों की जागरूकता से बच गई जान, वरना भोपाल जैसा हो सकता था अंजाम। 30 अप्रैल रात 9 बजे उज्जैन के नागदा में अफरा तफरी मच गई। लेक्सिस केमिकल फैक्ट्री के पास की दुर्गापुर कॉलोनी के लोग बेसुध और घबराई हालत में अस्पताल पहुंचने लगे। वजह लेक्सिस कंपनी से क्लोरीन गैस का रिसाव, जिसने थोड़ी ही देर में रिहायशी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी ने लोगों को बेसुध कर दिया। थाने पे फोन लगाया कि मैंने वजह यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो मुझे सूचना मिली कि गैस आ रहा है। मैंने लेक्सिस केमिकल प्रबंधकों को सबको सूचना करी गैस आ रहा है। एक घंटे तक हम गैस में घिरे रहे, पर किसी ने भी गाड़ी भेजी नहीं। चारों तरफ मेरा बच्चे को गैस लगा, सबको, मैं मेरे बच्चे को भी नहीं उठा पाया। लोग लेने के भागे हैं, कम से कम 100 लोगों को गैस लगा है, कम से कम 50 लोग अभी यहाँ भर्ती हो गए हैं। ये समझ लो मालिक भगवान हमारा शुक्रिया की बच गया, नहीं तो बहुत ही भोपाल से भी बहुत बड़ा ये कांड हो सकता। तकरीबन 100 लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जनसेवा अस्पताल पहुंच गए। 50 लोगों को भर्ती कर लिया गया, इनमें से 30 इस जहरीली गैस से ज्यादा प्रभावित हुए। हड़बड़ाया प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया। इसमें कुछ लोगों को गैस से क्षति पहुंची है, इसमें जनसेवा हॉस्पिटल में कुछ लोग एडमिट है, इन ICU में एडमिट है, और बाकी चीजें विवेचना में ले जाकर इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी और पॉल्यूशन विभाग के रिपोर्ट आने के उपरांत आगामी कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक लेक्सिस कंपनी में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। अचानक पाइपलाइन से TC यानी थाइनल क्लोराइड गैस लीक होने लगी, जो वायुमंडल में आते ही ज्यादा खतरनाक हो गई। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते प्रदूषण विभाग और प्रशासन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर गैस पर काबू पा लिया, वरना हालात बिगड़ सकते थे। लेकिन आपदा प्रबंधन में भोपाल कांड के 4 दशक बाद भी वही खामियां नजर आईं। कंपनी ने लोगों को अस्पताल भेजने के लिए एक छोटी गाड़ी भेज दी। बाद में नगर निगम से लोगों ने खुद डंपर मंगवाया और अस्पताल पहुंचे। लगाने के बाद एक गाड़ी भेजी जिसमें 4 आदमी बैठ सकते हैं। नगर पालिका हमने गाड़ी के लिए भेजा, वहाँ से डंपर आया, उसमें हम सब भर के आए हैं। और बहुत ही क्या बताऊँ, इतना खतरनाक गैस था कि जिसकी अभी तक मेरे को धुजनी मेरे को स्वयं को चढ़ी हुई है। प्रशासन ने फिलहाल लोगों की शिकायत पर केमिकल फैक्ट्री के 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहाँ की जो पार्षद वगैरह हैं, उन लोगों ने एक रिपोर्ट थाने में दी है। उस संबंध में एचआर वो लेक्सिस कंपनी से 2-3 लोगों को पूछताछ के लिए लाए। पूछताछ के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वैसी करते। लेकिन अभी भी प्रशासन ये कहने से बच रहा है कि गलती किसकी है और क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जैसे मेंटेनेंस में जो भी है वाले, उसमें जो भी होगा उसमें जांच के बाद तो मैनेजमेंट की लापरवाही अगर उजागर हुई तो किस तरह की कार्रवाई का पाएगी, जो भी उचित संभव कार्रवाई होगी। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, और वो भी खुद लोगों की जागरूकता के चलते। सोचिए अगर यही हालात देर रात होते तो सोते लोग क्या करते। लेक्सिस कंपनी में घातक केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं तो क्या वहाँ हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था और आपदा से निपटने के संसाधन हैं? लेकिन जिस जगह भोपाल कांड जैसे आरोपियों को भी सही सजा नहीं मिल पा रही हो, वहाँ उज्जैन कांड पर क्या कार्रवाई होगी, ये कहना मुश्किल है। राजेश कुलमी, सहारा समय, उज्जैन।